हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरेट में। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये होगी मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि का आने वाला अक्टूबर का महीना कैसे होने वाला है, कैसा रहने वाला है, ये देखने के लिए ये रीडिंग राहु केतु साढ़े साती पे बिल्कुल बेस नहीं होगी। जो कार्ड्स आएंगे मैं उस हिसाब से ही आपको बस गाइड करूँगी। हर बार की तरह अपनी आँखें बंद करें, अपने गुरु ईश्वर भगवान का ध्यान करें और उसके बाद आंखें खोले ताकि आने वाला टाइम आपका बहुत ही अच्छा हो। अक्टूबर का महीना अच्छे कार्ड निकाले और अच्छा टाइम दिखाए आपको। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में मुझे हर बार की तरह ज़रूर बताएं कि कितनी रिजोनेट होती है आपकी रीडिंग। थ्री ऑफ वॉन्स, दी चैरियट, फाइव ऑफ पेंटिकल, दी स्टार, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स। सो अगर आपके महीने की शुरुआत, पहले मैं आपको करियर के बारे में बताऊंगी, स्टडीज़ करियर जॉब और बिजनेस के बारे में, फिर मैं आपको लव के बारे में बताऊंगी। करियर वाइज अगर मैं बताऊं, आप किसी चीज़ के ऊपर होप या काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप होप सारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक होप्स थी, कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा था कि मैं ये कर लूँगा और आप उस पर आगे नहीं जा पा रहे हैं और कोई मूवमेंट नहीं हो रही, जिससे आप थोड़े परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काम में आगे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। कुछ समय से आपका टाइम थोड़ा बिजनेस में और जॉब में थोड़ा इश्यूज के साथ रहा। कोई सीनियर आपको शायद परेशान कर रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है, कोई आपसे थोड़े एज में ज़्यादा है जो आपको परेशान कर रहे हैं, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। दी चैरियट का कार्ड मुझे कह रहा है कि काफ़ी चीज़ों को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, शायद फैमिली की जिम्मेदारियाँ हो सकती है या काम एक साथ बहुत ज़्यादा आ चुका है, जिसपे आपको बैलेंस करते हुए हम देख रहे हैं कि अक्टूबर में आप बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करेंगे। वहीं एक चेजिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, शायद आप इन्वेस्टर्स से और काफ़ी लोगों से कॉन्टैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, शायद सीनियर से प्रमोशन की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है इन्वेस्टर्स को आप लोग सामने से अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके लिए वो इन्वेस्ट करें, थोड़ा आप लोगों को सपोर्ट करें। और वहीं द स्टार जो है आपकी होप पूरी होता हुआ दिखा रहा है आप कुछ भी जो चीज़ें होप कर रहे हैं, जो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ग्रोथ होते हुए हमें दिख रही है। आपको जो बैलेंसिंग सिचुएशन है दिखाई दे रहा है, ग्रोथ जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं रहेगी पर ठीक ठाक रहेगी। आपको एटलीस्ट उससे भी खुशी होगी क्योंकि आप उससे भी खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप आगे ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप बस अपने काम में ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप ये नहीं सोच रहे कि उसके क्या आपको फल मिलने वाले हैं, आप बस अपने काम पे ध्यान देने की कोशिश में। वहीं ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो कप्स हैं इतने सारे सरप्राइजेस से भरने वाले हैं। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसमें आप सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर का मंथ जैसे जैसे ख़त्म होने वाला होगा आपके पास सरप्राइजेस और बहुत सारे ऑफर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ जॉब के प्रपोजल्स रहेंगे या कोई न्यू बिगनिंग के लिए आपके पास कुछ प्रस्ताव आएगा, कुछ इन्वेस्टर्स एक साथ आपको कॉन्टैक्ट करते मिलेंगे या एक साथ कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आएगी। फाइनेंस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है अक्टूबर के एंड मंथ में, आपके लिए ग्रोथ दिखाई दे रही है। वहीं अगर मैं लव की बात करूँ तो लव वाले जो हैं जितने भी हैं मिथुन राशि वाले, वो दिखाई दे रहा है कि काफ़ी समय से अपने पर्सन का वेट कर रहे थे, काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर रखे हुए हैं पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है जिसके कारण आपके पर्सन जो है वो रुके हुए हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, उनकी वाइफ हस्बैंड या गर्लफ्रेंड कोई भी हो सकता है, या थर्ड पार्टी कई बार हम लोग इसको भी रिकमेंड करते हैं कि बिजनेस या काम को भी कह सकते हैं, जिससे सामने वाला परेशान है, काम के कारण भी छोड़कर जा सकता है हुआ है, तो उससे आप परेशान होते हुए होप्स के तरफ दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर का स्टार्टिंग मंथ अगेन आप होप करते हुए दिख रहे हैं, वहीं चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं आप, थोड़ा ट्रांसफॉर्म पोजीशन पे आते हुए दिखाई दे रहा है कि आप धीरे धीरे अपनी स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अक्टूबर के मिड मंथ में आप थोड़ी चेजिंग एनर्जी, मतलब ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप इन चीज़ों से थोड़े बाहर निकलेंगे और खुद को ना थोड़ा कॉन्फिडेंस में लाएंगे, थोड़ा स्ट्रांग पोजिशन पर लाने की कोशिश करेंगे। लोगों के सामने आपकी एक फेक इमेज बनाएंगे आप, जिसमें आप दिखाएंगे कि आप बहुत खुश हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत सारा पेन चल रहा है पर आप वो लोगों को दिखाने नहीं देंगे, फेस करेंगे ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं दिखाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, एक अलग ही इमेज होगी। वहीं एक चेजिंग एनर्जी दिखाई रही है कि मुझे ऐसा क्लियर पता नहीं क्यों दिखाई दे रहा है कि या तो आप सामने वाले पर्सन को आपके जिसका वेट कर रहे हैं, या तो आप उन्हें स्टॉकिंग तो एनर्जी है, पर या तो आप उन्हें सामने से मैसेज करेंगे या सामने वाले पर्सन का आपको मैसेज आने वाला है, क्योंकि यहां मुझे चेजिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, एक के पीछे दूसरा पड़ा हुआ है। ये या तो आप कर रहे हैं या तो आपके पर्सन कर रहे हैं, कोई एक चेज करते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे आपके पर्सन की चेजिंग एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि वो आपके पीछे 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 आ रहे हैं और आप दूर भाग रहे हैं क्योंकि आपने बहुत पेन बर्दाश्त किया है इनके कारण, और उसके कारण ना आपको बहुत तकलीफ हुई है,
पर वहीं कहीं ना कहीं अक्टूबर के मिड मंथ में आपके अंदर होप्स रहेंगी, आपको लगेगा फिर से सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ दोबारा से वापस वैसा शुरू हो जाए जैसा था, सब वैसी खुशियाँ आ जाए जैसी आपकी झोली में थी, सब कुछ होप्स करते हुए दिखाई दे रहे हो और उस होप्स के साथ आप सफल होते हुए दिखाई दे रहे हो। अक्टूबर का एंड आते आते आपके लिए रिकन्सलेशन के चांसेस हैं, आपका पर्सन आपके पास वापस आने के चांसेस है, ट्रैवलिंग होने वाली है उसके भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं, प्यार का सागर, प्यार का प्रस्ताव ऑफर होगा और कोई न्यू पर्सन भी आपको अप्रोच करता हुआ दिखाई दे रहा है, शायद कोई नया प्रपोजल आएगा। और अक्टूबर के एंड वीक पे दिखाई दे रहा है कि आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चॉइसेस होंगी, पैसा भी होगा और अलावा आपको बहुत सारी मतलब फूल और पता नहीं क्या क्या ऑफर हो रहा है, शायद मैरिज प्रपोजल आने के चांसेस है, एंगेजमेंट होने के चांसेस है, सिंगल लोगों को अगर मैरिज की चिंता है तो उन्हें शायद प्रपोजल्स आ सकते हैं। और ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई नया प्रस्ताव, सरप्राइजेज और गिफ्ट्स आने वाले हैं, शायद आपके पर्सन आपको गिफ्ट देंगे या कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए स्पेशल करेंगे जिससे आपको काफ़ी ओवरवेल फीलिंग आएगी। कुल मिलाकर अक्टूबर का महीना काफी अच्छा साबित हो रहा है आप लोगों के लिए। दो और कार्ड निकाल लेते हैं हम आप लोगों के लिए, यूनिवर्स मुझे बताएं मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना क्या होगा। ओके, दी हाई प्रिस्ट का कार्ड कहता है कि आप स्पिरिचुअल लेवल पे आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये बिजनेस जॉब किसी के लिए भी है, मैं ओवरऑल बता रही हूँ, स्पिरिचुअल लेवल पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी पे भरोसा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपका धीरे धीरे ट्रस्ट फैक्टर होगा, शायद आप ईश्वर पर भरोसा करना शुरू करेंगे, आपको एक बात की गारंटी हो जाएगी कि ईश्वर है और आपके भले के लिए सब चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों पर आपको भरोसा होते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं आप किसी से इन्फ्लुएंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी की बातों में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी की बातों में आकर आप कोई गलत कदम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आप किसी आपके जो पर्सन जो आएंगे तो आपके पर्सन जब आएंगे तो शायद आपकी फैमिली या कोई फ्रेंड्स आपसे ऐसा कुछ कह देंगे जिससे आप थोड़ा इरिटेट हो जाएंगे और सामने वाले पे रिएक्शन देंगे, तो इसीलिए ऐसा कुछ भी ना करें, दिमाग से फैसले लें दिल से नहीं। वहीं बिजनेस में भी मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे जॉब हो, किसी की बातों में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ब्लाइंड फेथ मुझे कार्ड में दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ब्लाइंड फेथ नज़र आ रहा है, तो हो सके कोशिश करें कि ब्लाइंड फेथ या किसी की भी बातों में इतनी आसानी से ना आए, दिमाग से काम ज़्यादा लें दिल से नहीं, या किसी की भी बातों को सोच के एकदम से रिएक्ट ना करें, एकदम सोच विचार करके चेक करें कि वो पर्सन जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं। ओवरऑल आपकी एनर्जीज जो है अक्टूबर की काफ़ी अच्छी है, अक्टूबर का एंड काफ़ी अच्छा है, चेजिंग एनर्जी भी दिखा रहा है मुझे, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली है आपकी लाइफ में। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देता है, आपको क्या करना चाहिए अक्टूबर के महीने में, गाइडेंस के लिए थोड़ा देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या गाइड करता है। सॉरी आज थोड़ी एनर्जी डाउन हो चुकी है, बहुत कंटिन्यू रीडिंग्स थी, बहुत ज़्यादा रीडिंग्स ले ली हैं आज एक साथ, तो थोड़ा इसके कारण थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ब्रेक नहीं मिला है ना इसके कारण, सॉरी, आज थोड़ा बियर कर लो। ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग, ये आपके लिए यूनिवर्स कह रहा है, अब समय आ गया है कि आप हीलिंग प्रोसेस करना शुरू करें, अपने आप को हील करें, बहुत ज़रूरी है, अब इन चीज़ों से जो भी तकलीफ है उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है और आप खुद ब खुद ही अद्भुत अक्टूबर में हील होना शुरू करेंगे, बहुत सारी चीज़ों से निकलेंगे बाहर, बहुत सारी लाइफ में जितनी भी तकलीफ है आपने देखी ना अभी तक, आप उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और होल्ड योर विजन बता रहे हैं। होल्ड योर विजन का मतलब आपका पता है बहुत आपके दिमाग में ना उल्टे सीधे विचार चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, बहुत सारी चीज़ों पे आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपने जो विचार हैं उनको ज़रा होल्ड पे लाएं, आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बस आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। अब देखते हैं साई बाबा आपको क्या गाइडेंस देते हैं, साई बाबा मुझे बताएं मिथुन राशि वालों के लिए क्या होने वाला है अक्टूबर का महीना, क्या गाइडेंस देंगे आप उनको, क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड करें साई बाबा। दो काज निकाले हमने, धारणा एक है, हर बात पर विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है, आप किसी की भी बातों में आसानी से ना आए, अगर आपको लगता है ये बात सही नहीं हो सकती तो उस पर प्रॉपर क्रॉस चेक करें, क्योंकि इन्फ्लुएंस होते हुए तो आपके कार्ड्स में भी दिखाई दे रहा है कुछ गलती कर सकते हैं आप इस चक्कर में, इसलिए जल्दी किसी के भी बातों में ना आए, ठोक बजा कर अच्छे से चेक करें उसके बाद ही स्टेप लें, ऐसा साई बाबा भी आपसे कह रहे हैं, किसी के भी बारे में कोई धारणा पहले से ही ना बना ले। भरोसा और आस्था, आपके भव्य तथा चिंता से भी मौजूद आपकी आस्था हो, तो आपको ज़रूरी है कि आपके जो डर है उनको
छोड़कर, आपकी चिंताओं को छोड़कर आपकी आस्थाओं पे ध्यान दें, यानी कि आपकी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दें, अपने विश्वास पे ध्यान दें, अपनी पॉजिटिविटी पे ध्यान दें, अपने ईश्वर पे ध्यान दें, ऐसा आपसे साई बाबा कह रहे हैं। आपने क्या किया कि आपके साथ जो भी लाइफ में हो रहा है उसके कारण आप सारी चीज़ें सिर्फ सोच विचार पे, जो चिंताएँ हैं या भय उसके बारे में सोच रहे हैं, जिसके कारण आपकी लाइफ नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। इसलिए कोशिश करें कि आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकें, पॉजिटिव चीज़ें सोचें, हो सके तो मन को शांत करने के लिए शिव जी को जल चढ़ाएं। शिव जी को जब जल चढ़ाएंगे डेली बेसिस पे, उससे भी आपको काफ़ी पेशेंस और काफ़ी सब्र मिल जाएगा। अब देखते हैं कुछ मैसेजेस जिस जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं या यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ज़्यादा नहीं निकाले हैं मैंने, पाँच ही निकाले हैं, पाँच या छः ही हैं। कन्फ्यूज़्ड, आप शायद इस महीने में कुछ कन्फ्यूज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लाइंड फिट का कार्ड भी बता रहा है, शायद कोई आपको कन्फ्यूज़ करेगा। आपको बस ध्यान रखना है, आपको किसी की भी बातों में आसानी से नहीं आना है। शाइन, शाइन करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आप चिंता कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भय है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। ज़रूरत है उन चीज़ों से निकलने की और पॉजिटिविटी पे फोकस करने की। ए ई आई एम क्यू यू वाई, इसका कनेक्शन ज़रूर है आपके लिए अक्टूबर महीने में। आपके पर्सन से उसका नाम हो सकता है या आपका नाम हो सकता है या किसी लोकेशन की जगह ये बता रहा है। कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है, आप ध्यान रखिएगा। विल यू बी माइंड फॉर एवर, ये आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं, क्या मेरे बन के हमेशा के लिए रहोगे? तो वो आपसे शायद आपको प्रस्ताव देते हुए ये बात कहेंगे। सानू एक पल चैन नावे, सानू एक पल चैन नावे, सजना तेरे बिना, ये आपके पर्सन आपके लिए गा रहे हैं। यूट्यूब पे फुल सॉन्ग अवेलेबल है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, ये आपके पर्सन अगेन आपके लिए गा रहे हैं या आप उनके बारे में सोचकर सुन रहे हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आई तो वीडियो पे मस्त वाला लाइक तो बनता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कितनी रिजोनेट हुई आपकी रीडिंग। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल पे। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए व्हाट्सअप का नंबर मैंने दे दिया है। प्री बुकिंग चालू हो चुकी है, आप प्री बुक करें। और जिसके लिए चार्जेस पे करने होते हैं, फ्री नहीं होता है। व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं। व्हाट्सअप का नंबर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है और बाकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। सो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।